Hello everyone, welcome to another vlog. In this vlog, we will learn what is the difference between reference and pointer. इनको अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं. ठीक है जी, जिस तरह आपने पिछले vlog में vlog नंबर 5 अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें हमने कैसे references को यूज़ किया, कि वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस लेकर किसी और को असाइन किया और उनमें जो भी हमने चेंजेस की, मैनिपुलेशन की, वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंज हो गई. तो ये तो था आपका जस्ट रेफरेंस. अब हम बात करेंगे आज पॉइंटर्स की और इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग. सबसे पहले स्क्रीन पर ये आपका कोड ब्लॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं, गो. यहाँ पर हम C++ सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नेम लिख देते हैं हम रेफ वर्सेस PTR के नाम से हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा. ये जी हमारी मेन .cpp आ गई है, इसमें iostream.h और STD यानी कि स्टैंडर्ड लिप का नेम से हम इंक्लूड करवा दिए. इसमें कुछ लाइब्रेरीज हम इंक्लूड करवा लेते हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. इंक्लूड conio.h, इंक्लूड स्टैंडर्ड लिप .h एंड इंक्लूड स्ट्रिंग. ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर अपनी ये चार लाइब्रेरीज यूज कर ली. इस कोड को हम खत्म करेंगे. अब ऐसा होता है कि जब हम रिटर्न जीरो कर लेते हैं तो ये कोड एक दफा ब्लिंक करेगा और बंद हो जाएगा, इसलिए उससे पहले मैं गेट सी एच यूज कर लूँ ताकि कोड यहाँ पे हॉल्ट हो जाए जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूँ. अच्छा जी, अब हमने रेफरेंसेज और पॉइंटर को चेक करना है कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करते हैं. ठीक है जी, अब मैं सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं, एक रेफरेंस लेगा और एक एज अ पॉइंटर लेगा. ठीक है, इस तरह चेक करते हैं हम. सबसे पहले मैं करता हूँ void display का एक फंक्शन है जो कि विद रेफरेंस रेफ कर दिया, विद रेफरेंस के साथ कोई चीज़ डिस्प्ले करेगा ये. ठीक है जी, अच्छा जी, इसमें मैं कोई स्ट्रिंग मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ बाई यूजिंग रेफरेंस. ये कोई मैसेज है तो डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे. ये एक छोटी सी मिनिमम एग्जांपल देख रहे हैं एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए और साथ ही हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं. ठीक है जी, ये हो गया जी, मैसेज बाय रेफरेंस हो गया. सही है, अब मैं एक और को यहाँ पे छोटा सा फंक्शन लिखने लगा हूँ जिसमें मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ पॉइंटर के थ्रू. डिस्प्ले रेफ की जगह मैं लिख लूंगा यहाँ पे PTR और यहाँ पे मैं पॉइंटर के थ्रू कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ. ठीक है जी, ये पॉइंटर के थ्रू कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. अब इन फंक्शंस को आप अपनी मेन के अंदर कॉल करते हैं और चेक करते हैं ये कैसे काम करेंगे. ठीक है, ये हम अपने मेन कोड के अंदर आ गए. यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ जो कि टेक्स्ट इसका नाम ही रखा है और ये मैं यूजर से इनपुट लूंगा. प्लीज इंटर समथिंग. ठीक है जी, ये यूजर से मैं सी इन करवा लिया टेक्स्ट के अंदर. ठीक होगा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीज लिख देते हैं हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मैसेज रेफरेंस के थ्रू प्रिंट हुआ है और ये मैसेज जो है वो पॉइंटर के थ्रू प्रिंट हुआ है. ठीक है जी, तो यहाँ पे हम एक एक यहाँ हम ऐड कर लेते हैं प्रिंटिंग मैसेज वाया रेफ. ठीक है जी,
ठीक है जी। दूसरे में हम लिख लेते हैं कि वाया पीटीआर, यहां तक जी बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमने टेक्स्ट लिया आपने, और सबसे पहले आपने इसको करवाया डिस्प्ले। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्प्ले इसको करते हैं। विद रेफरेंस यहाँ पे हमने पास कर दिया टेक्स्ट। ठीक है जी, ये रेफरेंस प्रिंट करेगा। उसके बाद हम करते हैं डिस्प्ले पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू यहाँ पे हम टेक्स्ट का एड्रेस पेस्ट करेंगे सर। ठीक है जी, ये हमारी छोटी सी एग्जांपल है। उसके बाद हम फर्दर हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली एग्जांपल एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। अच्छा जी, जिस तरह हमने यहाँ पे सीन लिखा था, सीन में होता फिर ये है कि जब आप स्पेस देते हैं ना स्ट्रिंग के अंदर, तो वो वहाँ से टर्मिनेट कर जाता है या वो उससे आगे की चीज़ नहीं पढ़ता। वो समझता है कि यहाँ पे एंड स्क्रीन हो गई है, एंड स्ट्रिंग हो गई है। तो इसलिए हम यहाँ पर गेट लाइन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम टेक्स्ट की पूरी जो भी आपने मैसेज लिखा है टेक्स्ट के अंदर, वो एज इट इज विद स्पेसेस, एनी स्पेशल करेक्टर कुछ भी हो वो उसके अंदर एज इट इज हम गेट कर लें। थोड़ी सी इंडेंटेशन करेंगे, जिस तरह मैं हमेशा जोर देता हूँ कोड की इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है विजिबिलिटी के लिए। थोड़ा सा हम इसको बेहतर कर लेंगे। ठीक है जी, कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चला गया। यहाँ पे हम इंटर करते हैं कोई स्ट्रिंग, हेलो हाउ आर यू। ठीक है जी, अब इसमें हमने एक वर्ड हेलो है, एक हाउ है, एक आर है और यू है, एक स्पेशल करेक्टर यूज किया हमने क्वेश्चन मार्क, और बीच में हमने एक दो तीन स्पेसेस यूज किए। सही है जी, ये मैंने इंटर किया। ये जी विद रेफरेंस के साथ हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, और ये हमारा पॉइंटर फंक्शन के साथ प्रिंट हो गया। ठीक है जी, तो ये हमने इनका डिफरेंस देखा है कि हमने रेफरेंस के अंदर वहाँ पे हमने टेक्स्ट का एड्रेस पास किया था और एक वेरिएबल को असाइन किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का ही था और हमने प्रिंट करवा लिया। दूसरे में हमने एड्रेस असाइन किया पॉइंटर को और उसके थ्रू हमने ये प्रिंट करवा लिया। ठीक है जी, ये तो हमने देख लिया कि भाई हमने स्ट्रिंग जो थी वो प्रिंट करवा ली। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि हम कैसे स्ट्रिंग को मॉडिफाई करके फिर प्रिंट करवाते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कैसे करवाते हैं। अब हमें यहाँ पे दोबारा दो फंक्शन क्रिएट करूंगा, एक रेफरेंस के लिए अपडेट रेफ। इसमें क्या होगा, इसमें हम स्ट्रिंग मैसेज लेंगे और इसको अपडेट करेंगे। ठीक है जी, स्ट्रिंग मैसेज लिया हमने, उसको हमने यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट क्या करेंगे, हम उस मैसेज के अंदर कुछ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, और कुछ उस मैसेज के अंदर रिमूव कर सकते हैं। तो हम कैसे अपडेट करेंगे इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम इस अपडेट में करना ये चाह रहे हैं, मैसेज है इसके एंड पे हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि जिस तरह आपको देख लिया कि मैसेज जो है एक स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। हम क्या करेंगे, हम इसकी सबसे पहले लेंथ पता करेंगे कि जो मैसेज है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है जी, उसके लिए मैंने जी len का एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, मैसेज डॉट लेंथ का फंक्शन कॉल किया। यहाँ से मेरे पास इसकी आ जाएगी लेंथ। ठीक है जी, कि मतलब इसकी आखिरी पोजीशन क्या है और उस पर मैं कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लेंथ आ गई मेरे पास। अब मैसेज डॉट इंसर्ट किस पोजीशन पे, लेंथ वाली पोजीशन पे, और क्या इंसर्ट करेंगे हम यहाँ एंड पे लिख देंगे स्पेस और यहाँ हम लिख देंगे रेफरेंस। ठीक है जी, ये हमने इसको कर दिया अपडेट। इसको हम जरा एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कोई एरर नहीं आया। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंटर को हम इस तरह ही कर लेते हैं। अपडेट पीटीआर फंक्शन बना लिया, अब क्योंकि पॉइंटर है यहाँ पे स्टैरिक आ गया, तो यहाँ भी स्टैरिक आएगा और यहाँ भी स्टैरिक आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया बाय यूजिंग रेफरेंस,
ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया बाय यूजिंग पॉइंटर। अब क्योंकि पॉइंटर से अपडेट करें, रेफरेंस की जगह हम लिख देते हैं इधर पॉइंटर, ठीक है जी। तो जो भी मैसेज होगा उसके एंड पे जब रेफरेंस से अपडेट करेंगे तो रेफरेंस आ जाएगा, जब पॉइंटर से करेंगे तो पॉइंटर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी फंक्शन था जिस तरह अपडेट पॉइंटर, इसमें हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया और जो मैसेज स्ट्रिंग आई थी उसको उसके अंदर सेव कर लिया। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट जो हमने txt लिया इसकी लेंथ कैलकुलेट की, उसके अंदर हमने पॉइंटर ऐड किया और ये हमने वापस जो हमने वहाँ से मैसेज टाइप का जो वेरिएबल की वैल्यू ली थी जो पॉइंटर आ रहा था उसमें हमने वैल्यू डाल दी, ठीक है जी। अब इन फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि वैल्यू अपडेट होती है कि नहीं अपडेट होती ओरिजिनल के अंदर, ठीक है जी। ये हमने यूजर से स्ट्रिंग ले लिया मैसेज, सबसे पहले हमने क्या किया अपडेट किया इसको, अपडेट किया रेफरेंस के थ्रू और इधर हमने पास कर दिया मैसेज जो कि आपने टेक्स्ट जो कि आपने यूजर से इनपुट लिया था, ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये किया और आपने इसको रेफरेंस के थ्रू ही डिस्प्ले भी करा लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा अपडेट करेंगे उस मैसेज को जो कि आपने लिया था। अब होगा ये कि ये जब रेफरेंस के साथ अपडेट होगा ना तो उसके अंदर रेफरेंस क्योंकि आ चुका है, इसलिए हम एक ऐसा करते हैं हम इसकी यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों सेम चीज़ रहें। ये हमने यहाँ पे इसकी कॉपी बना ली, एक स्ट्रिंग वेरिएबल कॉपी डिफाइन किया, इसको हम CPY कर लेते हैं, कॉपी आ गया, ताकि हम दोनों में और CPY में हमने टेक्स्ट वैल्यू डाल दी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल टेक्स्ट यूज़ कर लिया और जब हम अपडेट करेंगे इसको पॉइंटर के थ्रू तो यहाँ पर हम इसकी कॉपी इंसर्ट कर देंगे और इसी कॉपी को पॉइंटर वाले फंक्शन में डिस्प्ले भी करा लेंगे, ठीक है जी। बिल्ड करते हैं ये वाली बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने टेक्स्ट की वैल्यू ली और उसको एक कॉपी वेरिएबल में सेव कर लिया, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट को अपडेट रेफ कर देते तो टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाती और डिस्प्ले हो जाती, और हम दोबारा जब टेक्स्ट को यहाँ पर लेते हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू ही इसको पास हो जाती, ठीक है। तो इस तरह हमें कन्फ्यूजन होती, हमें समझ नहीं आती कि कौन से फंक्शन से वैल्यू अपडेट हुई है, ठीक है जी। ये जी हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ गए हैं, अब हम ये फंक्शन ट्राई कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम ये करेगा, हम यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे, उस स्ट्रिंग को वो अपडेट करेगा विद रेफरेंस और प्रिंट कर देगा, उसके बाद वो अपडेट करेगा विद पॉइंटर और उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है जी। स्ट्रिंग क्या है जी मेरी, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है जी, और क्वेश्चन मार्क, ये मैंने इसको मैंने इंटर किया, ये प्रिंट मैसेज वाया रेफरेंस से आपने प्रिंट किया अपडेट करने के बाद, हेलो फ्रेंड्स और रेफरेंस से आपने इंसर्ट कर दिया। इसी तरह ये आपने मैसेज प्रिंट किया वाया PTR पॉइंटर के थ्रू, हेलो फ्रेंड्स और एंड में पॉइंटर आपने डाल दिया। इस तरह अभी तक हम दो चीज़ें देख चुके हैं, एक तो प्रिंट बाय डिस्प्ले वैल्यू बाय रेफरेंस या प्रिंट वैल्यू बाय रेफरेंस, और दूसरा हम देख चुके हैं प्रिंट वैल्यू बाय पॉइंटर, और तीसरी हमने चीज़ देखी है दोनों की अपडेट करके और फिर प्रिंट करना, ठीक है जी। तो हम पॉइंटर और रेफरेंसेस को हम इस तरह चेक कर रहे हैं और इनमें डिफरेंट ना डाटा मैनिपुलेशन करके और डाटा इनपुट और आउटपुट करके हम इसका फंक्शन देख रहे हैं कैसे ये दोनों काम करते हैं। तो गाइज यहाँ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है पॉइंटर का और रेफरेंस का। जिस तरह भी एग्जांपल है रेफरेंस की मेरे सामने, इसमें आप देख रहे हैं ये एक्स और RX है, तो ये दोनों मेमोरी के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट मेमोरी पड़ी हुई है इसमें A की वैल्यू को दोनों पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है जी। जिस तरह मैंने बताया आपको कि एक्स के अंदर हमने 10.7 कुछ वैल्यू इंसर्ट की और साथ ही हमने जो M% RX था यानी कि रेफरेंस ऑफ एक्स था उसमें एक्स दे दिया, तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं एक्स एंड RX ये पॉइंट कर रहे हैं सेम वैल्यू को, ठीक है जी। ये हमने बात कर ली रेफरेंस की, अब मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर में क्या होता है। तो गाइज ये एग्जांपल है पॉइंटर की, इसमें होता ये है कि लेट से आपका एक वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू थी 10 और उसका एड्रेस था 456FD4। तो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर स्टोर कर लेता है एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है जी। तो जिस तरह ये एड्रेस स्टोर कर लिया,
अब इनका मेन डिफरेंस ये है कि रेफरेंस के अंदर आपको अलग से मेमोरी नहीं चाहिए होती, आप एक की वैल्यू को दोनों वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन पॉइंटर में होता यह है कि पॉइंटर की अपनी मेमोरी होती है जिसमें एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल होता है जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है जी। तो रेफरेंसेस जो हैं वो कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू पॉइंटर्स, बट ज़्यादातर हम पॉइंटर्स क्योंकि एफिशिएंट होते हैं और हमारे फंक्शंस में क्योंकि हमने एड्रेस वाइज आगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है एरेस के लिए, लिंक लिस्ट के लिए और लिंक लिस्ट पे क्यूज वगैरह के लिए हम पॉइंटर्स यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बेशक वो एक थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी ले रहे हैं लेकिन कॉपी क्रिएट नहीं होने देते, और डायनेमिक मेमोरी के लिए पॉइंटर जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पॉइंटर्स और रेफरेंस का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कैसे हम उसके अंदर डेटा इनपुट लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर एज अ इनपुट लिया और डिस्प्ले करवाया, और किस तरह हम डेटा जो है वो अपडेट करते हैं और अपडेटेड वैल्यूज़ उनकी हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और कॉमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर फर्दर आप इसमें एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तब भी बता सकते हैं ताकि हम आपको और बेहतर और ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लेनेशन और लेक्चर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ और टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ विद इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम डिस्प्ले करा सकें। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न टू कोड नाउ। थैंक यू।